तो भाई लोग, जो मेरा ड्रॉर है ना, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। सूप, ब्रश, स्टिकर्स, गाड़ी की चाबी, पैसे, लॉक, चाबियां, और ये देखो अंकल ने मेरा चालान कटवा दिया, अभी बेफालतू में। तो चालान कवर भी मिलेंगे, लेकिन चालान क्यों कटवाया अंकल ने ये बताता हूँ क्यों। तो यार कल मैं सोकर के उठाऊँ 12:30 बजे, अम्मा सुबह मेरे को 8:30 बजे का ना एक मैसेज आया हुआ था मेरे फोन पे कि आपका ना चालान कटा यहाँ पे। उसके बाद में मेरे को पता नहीं था ये चालान कैसे कट गया, मेरे को लगा भाई कुछ नया फॉर्मूला आया कि बता सो रहा चालान कट जाते हैं। उसके बाद अंकल जी का फोन आया मेरे को कि तो भैया मेरा चालान कट गया है 600 रुपए का, और वो चालान किसके ऊपर आया, मेरे ऊपर। पैसे भरने मेरे को है, 600 रुपए का चालान अंकल जी का आ गया है। और हुआ क्या, वो कहीं पे गए होंगे तो उन्होंने स्कूटी वो पार्किंग में खड़ी कर दी, तो वो स्कूटी उठा के ले गए टो ट्रक से। उसके बाद वो छुड़ा उड़ा के आ रहे हैं इतनी मुश्किल से, और वहाँ पे उसके 300 रुपए फीस भी बताओ अंकल ने वो दे दी कि 700 रुपए का चालान है वो मेरे ऊपर आ गया। नहीं तो गलती खुद कर रहे हैं और वो भी हम भरे। वाह नहीं मम्मा, मेरे को तो ये लगा मैं सो के उठ रहा हूँ, मेरे को झटका मिला कि आप बंदों के सोते होते चालान भी करते हैं क्या। मैं तो घर पे सो रहा हूँ अपना आराम से, तो वैसे चालान कट गया। एंड बाय द वे वेल, सो व्हाट इज अप गाइस, YPM व्लॉग्स बैक हियर। तो अब जाके एक बार अंकल से नीचे पूछता हूँ कि क्या सीन हुआ तुम्हारा पूरा चालान का, और चालान जो तुम्हारा कटा है वो तुमने मेरे नाम पे क्यों कटवा दिया। सो लेट्स गो, ऐसे जस्टिफाइड होना चाहिए। आज मैंने शूज़ पहने अपने ये जोकर वाले वाई नॉट जीरो, ये मेरे फर्स्ट जॉर्डन्स हैं और ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। पता नहीं इनको लगभग 3-4 महीने बाद मैंने पहना है। यार एक ना शूज़ आए हैं बॉलमेंट के, कुछ तो शूज़ हैं, उनका जो डिज़ाइन है इतना ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है कि मैं क्या बताऊँ। अगर किसी को पता है कि वो इंडिया में दिल्ली में कहाँ मिलेंगे तो मेरे को बताना कमेंट्स में, या मेरे को कह सकते हैं इंस्टाग्राम पे DM। बहुत मतलब उनका जो डिज़ाइन है अलग सा है, और उनका जो कलर है वो भी कुछ ऐसा सही है, मतलब बड़ा क्लाउन शेप में उनका कलर है, क्लाउन शेप ही नहीं क्लाउन शेड में, तो बढ़िया है वो। अंकल ने तो एक नंबर तैयार करके चमकाई हुई है आज, और पहले ज़रा अपनी H2 ऑन कर लेते हैं, कितनी शाइन मार रही है। तो क्रोम पेंट है ना ये, इसकी जान है। यहाँ पे ना पहले लाइट नहीं थी बिल्कुल भी, अब जैसी लाइट लगी है ना उसके बाद में मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा ही हो गई है, बिकॉज यहाँ पे पहले लाइट आती नहीं थी, चक्कर में बाहर की वहाँ की लाइट जाते थे तो वहाँ की जो लाइट की रोशनी थी यहाँ पे आती नहीं थी। अब इसका क्या है कि वहाँ भी जलाओ यहाँ पे जलाओ तो रोशनी हो जाती है बिल्कुल डबल। और अब जरा बाइक एक बार ऑन करके देखता हूँ, उसमें एक्चुअली मैंने बैटरी चार्ज करवाई थी थोड़े दिन पहले। तो अंकल जी साथ में आ चुके हैं, और अंकल जी आज बताएंगे कि चालान जो है कटा कैसे है। पहले अंकल मैं कुछ नहीं पूछूंगा आपसे, कैसे हो वैसे हो कुछ नहीं, चालान कैसे कटा मैं कोई बताओ। तो बताना जरूरी नहीं है। अंकल बंदा एक बात बताओ, सो रहा है और आप उसको चालान का मैसेज भिजवा दिया आपने, और उसके बाद में वो सोच रहा है कि सोता सोता बंदा का चालान कट गया, तो सोचो दिन में जब घूम रहा हूँ क्या हुआ मेरे साथ में। यार अंकल यार जाने दो भैया, उसे आपका नाम लेना पड़ा, वो चालान ही वाला आपको कटवा दिया। वैसे भी निकल चुके हैं लैम्बोर्गिनी के अंदर, और मैं अभी जा रहा हूँ फिलहाल तो एक छोटी सी राइड में, बिकॉज गाड़ी को ना रनिंग रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल दो मेरे को जो वर्कशॉप वगैरह थे उन्होंने साफ साफ कहा था कि गाड़ी को आपको हर 7 डेज में एटलीस्ट एक बार रन करना, आपको गाड़ी चलानी है 1 घंटा, और मैं वो भी नहीं कर पाता बिकॉज भाई जो आजकल बारिश का मौसम है उस चक्कर में इतनी ज़्यादा गाड़ी नहीं निकाल सकते, बिकॉज भाई 100 चीज़ें हैं, गाड़ी गड्ढे में आ चली जाए या बारिश का पानी ना आ जाए, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं फलाना ढिमकाना। बट जो जैसे इसको निकालते हो ना अंकल, एक आप घूम रहे हो मर्सिडीज के अंदर, एक आप घूम रहे हो इसके अंदर, तो आपको जो है ना नजरिया लोगों का देखने का आपको बदल जाता है। भैया अभी गेट पे देखे नहीं, तो मेला लग गया, मैं तो परेशान हो गया। गेट के आगे लोग रुक गए जस्ट बिकॉज टू ट्रैफिक नहीं था गाड़ी देखने के लिए, और मैं लोगों को वन मार रहा हूँ गाड़ी निकालने तो मेरे को, उसके बाद में तुम कर लेना। लेकिन वो बोल रहे भैया हमें देखने दो, आप बाद में निकाल लेना। कोई बात नहीं भाई, गुड है गुड है। तो बस चलते हैं थोड़ी सी राइड पे, आप जरा गाड़ी के वाले से शॉर्ट्स वगैरह एंजॉय करो, और ये देखो भैया साइड वाले भैया हमारे लिए वेटिंग कर रहे हैं। अभी ना गाड़ी का जो एग्जॉस्ट है वो बंद है, एक बार जरा आपकी आवाज सुनो, अब अंकल ऑन कर दो बस। सुपर कार्स का ना एक बार चीज़ रहती है कि इनके जो गाड़ी की PSI रहती है ना, अगर आपको टायर का वो भी थोड़ा सा कम हुआ प्रेशर, तो वो जरा सी मतलब जो होगी ना वो गाड़ी इधर उधर भागेगी। आपको टायर्स का जो पूरा प्रेशर आपको रखना पड़ता है अच्छे से। आज हम हवा डलवाना भूल गए, बट कोई बात नहीं, अभी बस वापस चले जाएंगे। ये सोच रहे हैं कि अभी रस्ते में कोई आता ना पेट्रोल पंप तो वहाँ से डलवा लेते हैं, बिकॉज सही रहता है वो। अंकल ये ना सर पूरा जो कंसोल है ना हो जाता है पूरा चेंज, इसमें ब्लूटूथ वगैरह कुछ है तो है नहीं, तो मैं इसका पूरा प्लान कर रहा हूँ कि इसको पूरा चेंज करा जाए। बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं ये, बट पापा कहते हैं कि इसकी तारें नहीं छिड़वानी चाहिए। सही बात है, बट अंकल जी उससे क्या होगा कि पूरा ये हो जाएगा ना चेंज, तो इसमें पूरा कार प्ले, ब्लूटूथ, गूगल मैप्स, रिवर्स कैमरा सब आ जाएगा।
वो तो है लेकिन ये छेड़ने के बाद ये मेरे को बताओ गाइस कमेंट्स में कि लैम्बोर्गिनी में करें कोई बढ़िया सी ऐसी मॉडिफिकेशन कि मतलब जिसमें हमको वायर्स वगैरह बड़ी शायद काटनी पड़ जाए बट जो एंड रिजल्ट आएगा वो बहुत बढ़िया आ सकता है तो शायद हम वो कर सकते हैं। ये देख रहे हो 1 2 3 4 ऐसे यहाँ पे इनमें चाकू मारना पड़ेगा तो ये अपने आप जो सेट है पूरा बाहर आ जाएगा मतलब इसमें कुछ पेच वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा। ये साइड में मारना पीछे साइड में लॉक्स है यहाँ पे मैंने वीडियो देखी थी यूट्यूब पे तो बतेरी ऐसी वीडियोस थी तो बस यही करना ये पूरा सेंटर कंट्रोल है ऐसे बाहर आ जाएगा और यहाँ पे एक नया का नया लग जाएगा। मैंने अपनी कॉफी ग्रैब कर ली अंकल ने अपनी चाय ग्रैब कर ली है लेकिन अभी क्या सीन है कि जब हम दुबई गए थे ना वहाँ पे जाकर के मुझे अभी भी याद है पापा हमेशा बोलते हैं रेस करेंगे बाइक भगाएंगे बाइक लेके आता हूँ लेकिन जब हम दुबई गए थे ना वहाँ पे अंकल इतना अच्छा मौका मिला था बिल्कुल खाली रोड थी और उस रोड का ये भी नहीं कोई लॉन्ग नहीं था कि ऐसे तुमको कि उनको रेस नहीं करनी है। पापा के पास में लैम्बोर्गिनी हुराकन थी मेरे पास में थी मैकलरेन 720S। पापा को बोला आप गाड़ी भगाओ मैंने से हाथ जोड़ लिया नहीं मैं नहीं भगाऊंगा बावरी क्लिप देखो आप मैं गाड़ी भगाता जा रहा हूँ पापा मेरे को दिख ही नहीं रहे दूर दूर तक कहाँ आ रही मुझे नहीं पता आपका कहाँ पर है। अच्छा लेकिन जो भी था ना सीन एक नंबर का था मैं मैकलेरन भगा रहा हूँ पापा लैम्बोर्गिनी चला रहे हैं। एक्चुअली वो उस समय ना मेरा गाना शूट हो रहा था तो उस समय मतलब भाई मैकलेरन तो मेरे को पता नहीं था क्योंकि मैं स्पोर्ट्स कार में था लेकिन मेरे को इतना नहीं पता कि इसमें V8 है इसमें V10 है तो इसके इंजन स्पेक्स क्या हैं तो ये कितने BHP प्रोड्यूस करती है मुझे इतना नॉलेज नहीं थी बस इतना था कि अंकल लैम्बोर्गिनी पता है मैकलेरन पता है सब ब्रांड्स के बारे में पता है लेकिन इसके बारे में इतना मेरे को पता नहीं था कि इंजन स्पेक्स वगैरह क्या होते हैं। वो तो मेरे को अब जाकर पता लगा है भाई वो 700 कुछ BHP है कुछ मैकलेरन 720S तो मैं तो वो खींचता वो लेके पापा को धीरे धीरे चला रहे हैं ऐसे। अगर आप एक लैम्बोर्गिनी में चाय पी रहे हो तो बिल्कुल ध्यान से पीना बिकॉज अगर झटका पीछे गाड़ी का पड़ता है तो अंकल ऐसी हालत हो जाती है सारा मेरे ऊपर। अंकल ने सीट पे थोड़ी सी गिरा दी अंकल सीट पे नहीं गिरनी चाहिए देखो यार अब ऐसे मत करो झटका एक लगा तो गिरेगी कोई सेंस है इस बात की। गाड़ी देख के लोग पता नहीं क्या ही बम हो जाते हैं कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं बाहर एक गाड़िया देख देख के मैं बिल्कुल चल रहा हूँ अपनी लेन के अंदर वो ऐसे ओवरटेक काट फूट के सांप बना करके निकल रहे हैं भाई मैं चल रहा हूँ आराम से अपना वो पता नहीं भाई क्या भाई मतलब जीत जाएंगे रेस आज तोड़ेंगे हम अंकल जी दुनिया तोड़ेंगे आज हम जीत के। देखी थी मुंबई के अंदर तो अपने चैनल पर पहली बार तब भी आई थी तो मैं सोच रहा हूँ कि उसका जो बर्थडे है ना 20 सितंबर बड़ा मनाया जाए धूमधाम से तो जो 20 अगस्त था वो बर्थडे था अपनी H2 का और 20 सितंबर जो अपनी बर्थडे है लैम्बोर्गिनी का है तो जाके देखते हैं कि कुछ ना कुछ क्रेजी सा मैं प्लान करने वाला हूँ। याद हो सकती है वो मॉडिफिकेशन याद हो सकता है रैप चेंज और रैप यही नहीं मतलब कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा यूनिक करने वाला हूँ मतलब जो वो चीज़ होगी आई कैन बेट कि वो वन ऑफ वन इन इंडिया है और आज तक कभी वो किसी चीज़ इंडिया में नहीं करी जो एक्चुअली मैं और सिद्धार्थ भाई अभी प्लान कर रहे हैं तो इफ़ थिंग्स गो वेल वी आर गोना रॉक इट। ये देखो यार ये ना मैं कोरियन फूड लेकर आया था शायद हमें एक्सपायरी लिखी हुई है ये 4 फरवरी तक एक्सपायरी है हो गया एक्सपायरी है कॉफ़ी है ये क्या है मैं इसको पढ़ना एक बार क्या लिखा है ये मेरे को दूध लग रहा है और ये तो कोकोनट है ये तो क्या कोको पाम पता नहीं मैं देखो लिखा हुआ है नीचे 9/12 दिसंबर को एक्सपायर हो गया सॉरी 12 सितंबर पालतू में कुछ फ़ायदा नहीं ना किसको घर के बिल्कुल एंट्रेंस में ना यहाँ फोटो लग रखी है देखो हमारी पापा मैकलेरन पे मैं बीच में खड़ा हुआ हूँ मम्मा लैम्बोर्गिनी हुराकन पे बट ऑफ कोर्स यार मतलब पापा मम्मी को हमेशा मना करती हैं ग्रीन कलर की कभी भी कोई गाड़ी नहीं खरीदनी बिकॉज वो मेरे लिए अनलकी है। डोमिनोज को कितना तगड़ा मार्केटिंग टैक्टिक है आप एक ऑर्डर प्लेस करोगे आपको 100 पॉइंट मिलेंगे 6 ऑर्डर प्लेस करोगे 600 पॉइंट मिलेंगे उस पर एक पिज्जा फ्री है कुछ भी सिलेक्ट करो एग्जाम्पल मैं सिलेक्ट करता हूँ ये फार्म हाउस सिलेक्ट कर लिया ठीक है यहाँ पे गो टू कार्ट करूँगा तो मुझे सिर्फ डिलीवरी चार्ज पे करना है 57 रुपीज़ का और मेरे को एक पिज्जा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा कितना तगड़ा मार्केटिंग टैक्टिक है देखो मतलब डोमिनोज का ये कितना इन्होंने स्मार्टली गेम खेला है मतलब ये देखो इनका मार्केटिंग टैक्टिक कि एटलीस्ट अगर आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो 300 रुपये का तो 300 × 6 अगर आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो 1800 रुपये का उस पर आपको एक दे रहे हैं पिज्ज़ा उस पर भी आपको जो टैक्सेज हैं आपको वो पे करने हैं तो मतलब बंदा सोचेगा यार अब मैंने 6 ऑर्डर कर दिए अब जब ये फ्री पिज्ज़ा आ ही रहा है तो इसके हाथ में मैं कुछ और भी ऑर्डर कर लेता हूँ तो बंदा मतलब ये नहीं करेगा कि सिर्फ पिज़्ज़ा के साथ खाली पिज़्ज़ा मंगवाएगा और टैक्स पे करेगा बंदा सोचेगा कि भाई कम से कम कुछ और ऑर्डर करते हैं और साथ में उसके जब पिज़्ज़ा फ्री आ ही रहा है तो मतलब कितना सही टैक्टिक है कि 6 ऑर्डर प्लेस करवाओ एक पिज़्ज़ा छोटा वाला फ्री ले जाओ। गुड भाई मैं अभी अपने लेकर आऊँ ये पनीर रैप ये मेरा आज का डिनर है मम्मा भी यही खा रही है साथ में तंदूरी सॉस और ये रैप पनीर वाला। गाइस कौन कौन चाहता है कि मैं एक पूरा व्लॉग बनाऊँ iPhone 2G से कंपेरिजन करके 13 Pro Max का या मैं एक काम करूँगा मैं पूरा दिन जो अपना आईफोन है ना 13 Pro Max साइड रख दूंगा और पूरा दिन मैं सिर्फ यही यूज़ करूँगा तो देखते हैं इसमें तो एक्चुअली भाई कोई फ्रंट कैमरा भी नहीं है इसमें सिर्फ बैक कैमरा है देखो वाओ
तो मेरे को बताओ कमेंट्स में अगर कोई चाहता है कि मैं पूरा ऐसा व्लॉग बनाऊं कि पूरा दिन आईफोन 2G यूज़ करूं और 13 प्रो मैक्स हाइड कर दूं। तो यार आप लोगों ने मेरा पूरा आज का व्लॉग देखा कैसा लगा बताना कमेंट्स में, और खत्म करता हूं अपने आज की वीडियो को यहीं पे। मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय एंड स्टे सेफ गाइस, बाय बाय।